Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we're going to start our online course, Data Structure and Algorithms, and it's considered as very core course in the studies of computer science. And I will be teaching you this course, inshallah, throughout this semester. उससे पहले लेकिन अपनी बकायदा स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ. As you can see, my name is Sulaiman Ahmed Naz. I've done my BCS honors in 2008 from University of Peshawar. और उसके बाद आई हैव डन माई एम एस सी एस इन 2018 फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर. इसके अलावा मेरे असल में पैरेलल दो फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस और इस्लामिक स्टडीज़. आई हैव डन माई एम ए इस्लामिया फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई दरस निज़ामी फ्राम जामियतुर रशीद कराची. आई हैव स्पेंट 4 ईयर्स देयर. और जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, तो आई हैव वर्क्ड एज सीनियर टीचर एंड सीनियर कोऑर्डिनेटर at the JTN school Rahim Yar Khan for about 6 years. और ये तो स्कूल का एक्सपीरियंस था. इसके अलावा जहाँ तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस की बात है, तो आई वर्कड एज लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इस्लामिक स्टडीज़ इन डिफरेंट मदरसाज एंड कॉलेजेस. और एजुकेशन फील्ड से मेरा वैसे भी शुरू से ही ताल्लुक रहा है. शुरू से ही मैं टीचर रहा हूँ और टीचर ट्रेनर रहा हूँ. तो आई वर्क एज एन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब. आई वॉज हेड ऑफ अ होल यूनियन काउंसिल देयर एंड माई वेरी रिसेंट जॉब आई हैव लेफ्ट. आई वर्क एज सब लेफ्टिनेंट इन पाकिस्तान नेवी एंड फ्रॉम फरवरी 2019 आई हैव बीन टीचिंग इन DHS उफा यूनिवर्सिटी. तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा मेरा. इस कोर्स में जहाँ तक रिकमेंडेड मटेरियल्स की बात है, तो याद रखें सबसे बेसिक जो चीज़ है वो लेक्चर स्लाइड्स हैं. क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, मैं अपने कोर्स की बात करता हूँ सिर्फ, कि जितने भी मैं बुक से तैयारी करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन स्टफ से तैयारी करता हूँ, जितनी भी वीडियोस से मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो कोशिश ये होती है कि इतना कुछ अपनी स्लाइड्स के अंदर शामिल कर दूँ. अब देखेंगे इंशाल्लाह मेरी स्लाइड्स को कि आपको यानी कि सिर्फ उस टॉपिक की एसेंस समझने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, ये और बात है, जाहिर बात है हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, तो बुक एक रेफरेंस के तौर पे ज़रूरी है और उसको पढ़ना भी चाहिए. और इसको कभी भी हम डिस्करेज नहीं करेंगे, बल्कि इनक्रेज करेंगे. हो सकता है बुक से कुछ आपको टॉपिक्स भी प्रिपेयर करने के लिए दिए जाएँ. तो जहाँ तक बुक्स की बात है, तो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बुक को स्टडी कर सकते हैं. कम्बाइंड बुक्स भी होती हैं, जिस तरह दो आपके सामने स्क्रीन पर, और अलग अलग बुक्स भी हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की भी और एल्गोरिथम्स की भी. तो ये जो दो बुक्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन C++ बाय एडम रोस्टेक और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन C++ बाय मार्क एलन, तो ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं. लेकिन इसमें ज़ाती तौर पर मुझे एडम की बुक अच्छी लगती है. लेकिन आप जिस बुक को भी चाहे फॉलो कर सकते हैं, आप इंटरनेट से जहाँ से चाहें टॉपिक्स को जो है समझ सकते हैं. लेकिन आपको स्लाइड्स के अंदर इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है. तो अगर आप लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं अपनी और साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, और अपनी क्यूरीज जो हैं वो ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह ताला ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है ना. तो जहाँ तक ग्रेडिंग स्कीम का ताल्लुक है इस कोर्स के अंदर, तो टेंटेटिव ग्रेडिंग स्कीम है, कोई कन्फर्म नहीं. हो सकता है मिड का फैसला बाद में हो ना हो, लेकिन फिलहाल तो ये है कि मिड नहीं होगा. तो हो सकता है हम किसी क्विज़ की वेटेज बढ़ा दें. तो 5 असाइनमेंट्स एटलीस्ट होंगी और 5 क्विज़ एटलीस्ट होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं हो सकते. और एक प्रेजेंटेशन कंपलसरी होगी और फाइनल एग्ज़ाम होगा. असाइनमेंट्स की अभी तक जो जहन में है वो ये कि 20% उनकी वेटेज रखी जाएगी, क्विज़ की 30%, प्रेजेंटेशन की 10% और फाइनल टर्म की 40%, ठीक है. तो और इनमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि 5 के अंदर बेस्ट ऑफ 3 होगा. 5 है तो 5 ही होंगे, आपको कोई असाइनमेंट मिस नहीं करनी है. इसी तरह यू विल नॉट स्किप एनी ऑफ द क्विज, ठीक है, क्योंकि क्विज ज़ाहिर है शेड्यूल्ड होते हैं, तो उस शेड्यूल के बाद फिर उनको कंपनसेट करना मुश्किल हो जाता है हमारे पास. और एज़ फार एज कोर्स एक्सेसिस कंसर्न, तो सबसे पहला आपके पास जो रिपोजिटरी होती है वो LMS के ऊपर ही होगा. एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन LMS, ठीक है. आपकी अटेंडेंस भी वहीं पर होगी और आपकी हर अनाउंसमेंट, आपका हर लेक्चर, उसका लिंक, उसकी PDF, आपकी सारी बुक्स उधर अपलोड होंगी. तो डेट विल बी आवर मेन रिपोजिटरी. लेकिन चूँकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं,
मैं अपने चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करके उसका लिंक LMS पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे जैसे अगर इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको वैसे भी वीडियोस मिल जाया करेंगी जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड किया करूँगा। सबसे ज़्यादा जो इजी एक्सेस रहेगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेगी, क्योंकि कोई बंदा इंटरनेट यूज़ करे ना करे LMS मोबाइल पे मुश्किल होता है एक्सेस करना, लैपटॉप्स खोल के बैठना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पिछले सेमेस्टर्स के अंदर भी हमने देखा। तो व्हाट्सएप ग्रुप सबको ईजी एक एक्सेस दे देता है हर चीज़ पे। तो जो चीज़ भी LMS पे लोड होगी एक्सेप्ट फॉर अनाउंसमेंट्स, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मिल जाया करेगी। और तकरीबन जितनी एनरोलमेंट्स मेरे पास थी वो सब की सब ऐड हो चुकी हैं। आपकी कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो क्यूरी पोस्ट करें ताकि वो टॉपिक सबको फ़ायदा दे। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि दे सेंड मी मैसेज प्राइवेटली, तो उसमें मैं उनको आंसर तो कर देता हूँ लेकिन यह है कि किसी और स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है वही क्यूरी और स्टूडेंट्स ने भी की हो तो मुझे एक तो अलग अलग आंसर देना पड़ता है। खैर वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगले की लर्निंग में हेल्पफुल नहीं साबित हो रहे होते। तो कोशिश करें आपकी जो क्यूरी हो खासतौर पर लेक्चर से रिगार्डिंग, तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर आप पोस्ट कर दिया करें तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको प्रॉम्प्टली आंसर कर दिया करूँगा। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस मैंने लिखा हुआ है suleiman87@gmail.com। ये तो हो गई बेसिक। अब वेयर इट स्टैंड्स, वी आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सो व्हाई डू वी लर्न इट। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें, हायरार्की डायग्राम को, तो आपको समझ आ जाएगा कि वेयर इट स्टैंड्स बड़ी वाइटल जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। यू हैव स्टडीड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यू हैव स्टडीड ऑप्स यूजिंग C++। अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे इन दो की बेस के बाद, तो आपकी बेस इतनी बन जाएगी कि आप अगले 5 सब्जेक्ट्स के लिए तैयार हो सकते हैं। और वो अगले सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है वो मैं इंक्लूड कर दूंगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डेटाबेस सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एक अलग से सब्जेक्ट है। तो उन 6 सब्जेक्ट्स के लिए आप इस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, यानी ये एक बेस है उनकी, प्री रिक्विजिट है, एक बैकबोन है, इसके बगैर आप वो सब्जेक्ट्स को नहीं स्टडी कर सकते। तो उम्मीद है अब आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि तकरीबन 6 कोर्सेज ऐसे हैं जो इस पे डिपेंडेंट है इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वी लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर एल्गोरिथम्स एंड अप्लाई दैम इन इम्प्लीमेंटिंग सिंपल एप्लीकेशंस। और ये जो इस चीज़ का जो मेजर पोर्शन होगा वो दो पार्ट्स है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो हम यहाँ पे क्लास के अंदर, ये थ्योरी की क्लास है, तो हम इसको थ्योरेटिकल अंदाज में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देखेंगे। जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो वो आप लैब के अंदर, आप लोगों ने एक दो लैब्स हो चुकी हैं तो आप लोगों ने उसके अंदर आप काम शुरू कर दिया होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनालाइज सिंपल एल्गोरिथम्स एंड डिटरमिन देयर कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, और अप्लाई द नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स टू अदर एप्लीकेशन डोमेन्स। और जब आप इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज, हाउ टू डिज़ाइन एंड डिज़ाइन अ डेटा स्ट्रक्चर, हाउ टू डिज़ाइन इट्स ऑपरेशंस, यू विल बी एबल टू डिज़ाइन न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ योर ओन एंड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके इंशाल्लाह ताला बहुत इंप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोर्स कंटेंट्स एज पर HEC रिक्वायरमेंट ये सारी हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कौन से हैं, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होता है, उसी के अंदर बिगो नोटेशन क्या होती है, व्हाट आर स्टैक्स। ठीक है, स्टैक्स को आप लिंक लिस्ट और एरे की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ रिकर्जन एंड हाउ टू एनालाइज द रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, व्हाट इज़ द डिज़ाइन एंड कंकर टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, एंड वी विल स्टडी सम बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीट सॉर्ट और बहुत सारे हैं। ठीक है, क्यू क्या होती है, प्रायोरिटी क्यूज क्या होती हैं, इसकी मुख्तलिफ तरह की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती हैं, और ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन में कहा कि लिंक लिस्ट है तो व्हाट इनफैक्ट लिंक लिस्ट इज़, और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जो भी हैं सारी। ठीक है, इसके अलावा हाउ टू सर्च एन अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, और अनसॉर्टेड के लिए हमारे पास बाइनरी सर्च होती है। ठीक है, हैशिंग और इंडेक्सिंग भी सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये एक पूरी एक लिस्ट है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन सभी को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाए कोर्स के बाद इंशाल्लाह ताला। अब बारी है सबसे
बेसिक क्वेश्चन की कि अंडरस्टैंडिंग द टाइटल, टाइटल में हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो अगर आपको डेटा की समझ होगी, स्ट्रक्चर्स की समझ होगी, इन अदर वर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर्स की समझ होगी और एल्गोरिथम्स की समझ होगी, तो आप तो पहले जहनी तौर पर यह तैयार हो जाएंगे, ओ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इनफैक्ट व्हाट आर दीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले डेटा, तो डेटा इज डिफाइंड एज फैक्ट्स और फिगर्स और इन्फॉर्मेशन दैट स्टोर्ड इन और यूज बाय द कंप्यूटर। यूज से मुराद उसको रीड करना भी हो सकता है, उसको प्रोसेस करना भी हो सकता है, ठीक है। सिंपली एनी थिंग दैट इज स्टोर्ड और प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा, और कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, वी ऑल नो दैट। तो जो चीज़ भी कंप्यूटर के अंदर है वो डेटा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, चाहे वो हार्ड डिस्क के अंदर है, चाहे वो रैम के अंदर है, चाहे वो करंट है, मतलब मिसाल के तौर पे, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में स्टोर्ड है, वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, दैट इज डेटा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है कि डेटा के मुख्तलिफ एलिमेंट्स किस अरेंजमेंट में, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड पैटर्न। सिंपली स्पीकिंग, अ स्ट्रक्चर इज समथिंग ऑफ मैनी पार्ट्स दैट इज पुट टुगेदर, एंड इनफैक्ट वी आर डिस्क्राइबिंग हाउ दीज आर पुट टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल, अरेंजमेंट्स ऑफ डीएनए एलिमेंट्स और एनीथिंग, अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स इन अ क्लास, दैट्स अ स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप कंप्यूटर की मेमोरी का एक ओवरव्यू ले लें कि कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की क्या होती है। देखिए, सीपीयू हमारे पास डायरेक्टली लिंक नहीं होता स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, ठीक है। सीपीयू हमारे पास अटैच होता है या कैशे मेमोरी से या रैम से, ठीक है। तो सीपीयू की एक्सेस में जो मेमोरी होती है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो प्रोग्राम को, प्रोग्राम के उस एलिमेंट को जो रन हो रहा है, वो हार्ड डिस्क से हो या स्टोरेज किसी भी यूएसबी में हो, रोम में हो, सीडी रोम या किसी में डीवीडी रोम में हो, या नेटवर्क स्टोरेज पे हो, कोई किसी भी किस्म का स्टोरेज डिवाइस है, उसको पहले रैम के अंदर लोड होना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी। तो जो दूसरे स्टोरेज डिवाइसेज दैट आर शोन इन ब्लू, दीज आर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसीलिए कि उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्सेस है वो रैम का होता है, ठीक है। बाकी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि वर्चुअल रैम, फिजिकल रैम क्या होता है, ये आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देख लेंगे। हमारा कंसर्न इससे ये था कि हम जब मेमोरी की बात करेंगे तो हम फिलहाल रैम की बात करेंगे, ठीक है। तो बस इतना आपको बताना मकसूद है। अब डेटा हमने समझ लिया क्या होता है, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया क्या होता है, उसके अंदर किस चीज़ को सेव करने की बात हुई, तो हमने मेमोरी को देख लिया कि हम किस तरह की मेमोरी को एड्रेस करने जा रहे हैं। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग द डेटा। तो सिंपली सेइंग, इट रेफर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग डेटा इन द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के अंदर किस अंदाज से अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, किस अंदाज से स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स रैम में बना रहे हो, वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप के पास एक बहुत बड़ी जगह है, ओपन स्पेस है, और आप उसके अंदर प्लॉटिंग कर रहे हो। अब आपकी प्लॉटिंग कितनी एफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आप उस प्लॉटिंग को डिज़ाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मेमोरी आपके पास एक बिल्कुल एक एरिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स की प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आप किस अच्छे अंदाज से अपने डेटा को वहाँ रखोगे, उतने ही अच्छे अंदाज में आप अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकोगे, ठीक है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज। नो व्हाई डेटा स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन का आंसर असल में पिछले स्लाइड के अंदर ही दे चुके हैं। बिकॉज द हेल्प टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, दे आर एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स इन क्रिएटिंग फास्ट एंड पावरफुल एल्गोरिथम। इसको समझिए, देखें आपके पास अगर एक एरिया है, से दिस इज द एरिया, और आपको कहा जा रहा है कि आप इस एरिया के अंदर आपने प्लॉटिंग करनी है, तो व्हाट विल यू डू। तो एफिशिएंट, फॉर एग्जांपल दो एक तरह के एरियाज हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक प्लॉट आपने यहाँ पे किया डिज़ाइन, फिर एक प्लॉट आपने यहाँ पे किया डिज़ाइन, और एक प्लॉट आपने यहाँ किया डिज़ाइन,
और एक प्लॉट आपने यहाँ कर दिया डिज़ाइन। अब जो एम्प्टी स्पेस बची है वो इस काबिल नहीं है कि आप यहाँ पे मज़ीद प्लॉटिंग कर सके, मे बी वन और टू, लेकिन मज़ीद नहीं कर सकते, तो आपके पास जगह बहुत वेस्ट हो रही है, आप एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हो अपने मेमोरी को, ठीक है, उसका एक्सेस आसान नहीं है, उसकी प्लेसमेंट आसान नहीं है। इसके बजाय अगर आप अच्छे अंदाज से प्लॉटिंग करो, आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे अंदाज से बनाओ, तो मे बी उसी एरिया के अंदर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लॉटिंग कर सकोगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स मेक अवर कोड क्लीनर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जाहिर बात है क्योंकि हमने इस कोर्स को फॉर्मली शुरू नहीं किया है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी अजीब लगे कि हाउ विल दिट हैपन, हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस टू क्रिएट फास्ट एंड पावरफुल एल्गोरिथम्स, हाउ द कोड विल लुक मोर क्लीनर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं, अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि इट विल हेल्प अस, ठीक है, हाउ वी विल सी लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला। एग्जाम्पल इसकी आप ले लें, सो कंसिडर द फॉलोइंग मैप। हमारे पास इस मैप के अंदर क्या है, हमारा घर है, ठीक है, और हमारे घर के अलावा देर इज़ अ शॉप, और हमारे घर से शॉप तक का एक रास्ता है, स्ट्रीट है, जो कि टू वे स्ट्रीट है क्योंकि इसमें एरो का कोई हेड किसी तरफ भी नहीं है, तो इट मीन्स इट्स अ टू वे स्ट्रीट। और एक स्ट्रीट शॉप से मार्केट की तरफ जा रही और दैट्स डायरेक्टेड, इट मीन्स फ्रॉम शॉप टू मार्केट, ठीक है। हमारे घर से भी एक स्ट्रीट मार्केट की तरफ जा रही है, हमारे घर से एक स्ट्रीट मस्जिद की तरफ जा रही है, मॉस्क की तरफ, फ्रॉम सुपर मार्केट देर इज़ अ टू वे स्ट्रीट टू स्कूल, एंड फ्रॉम स्कूल देर इज़ अ टू वे स्ट्रीट टू मॉस्क। ये हमारे पास एक हमारे अपने घर के इर्द गिर्द का एक छोटा सा नक्शा है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो देर आर नंबर ऑफ वेज, हम इस इन्फॉर्मेशन को बहुत तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि देर आर इम्पॉसिबल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये कोई आंसर यूनिक आंसर नहीं है, तो यू कैन स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर इन नंबर ऑफ वेज। वन वे इज़ टू रिकॉर्ड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ ईच प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिस तरह आपके सामने है। लेकिन आपने इस डेटा को स्टोर तो कर लिया, लेकिन क्या ये उतना ही यूज़फुल है या यूज़ेबल है इस पूरी सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए? मे बी नॉट। क्यों? हाउ कैन यू टेल वेयर ईच लोकेशन इज़ एंड हाउ फार ईच लोकेशन इज़? ठीक है, आप हो सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को काउंट कर लें, लेकिन उससे ज़रिए आप ये बता सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट टेल कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज लोकेशंस। इट मींस इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कमी है, तो हम इसको किसी और अंदाज से देखते हैं। अनदर वे हमारे पास ये है कि आप इसको लिस्ट की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो इट्स एन एरे ऑफ लिस्ट। तो अब कनेक्शन आर ऑब्वियस, फ्रॉम होम टू शॉप देर इज़ अ कनेक्शन, ठीक है, फ्रॉम होम टू शॉप and from home to market there is also a connection, and from home to mosque there is also a connection. Chunki ye bidirectional street hai, from shop to home and from home to shop, so from shop to home there is also a connection, theek hai, and shop and market are also connected, but market is not connected with shop, theek hai, matlab reverse nahi hai, theek hai, and as far as market is concerned, to market is connected with school, school is connected with market, school is connected with mosque, एंड मॉस्क इज़ कनेक्टेड विद स्कूल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब अगर इनके साथ अगर हम ये भी ऐड कर दें कि कौन सा किस लोकेशन के ऊपर है, तो ये चीज़ मज़ीद कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। कनेक्शन आर ऑब्वियस, लेकिन एक और अल्टरनेटिव कि आप इसको एक और तरह की लिस्ट के अंदर लिख लें, फ्रॉम होम यू कैन गो ईदर टू शॉप मार्केट और मॉस्क, एंड फ्रॉम शॉप यू कैन गो टू होम एंड मार्केट। तो आपने अपनी स्पेस थोड़ी सेव कर ली, क्योंकि एक होम के लिए आपके पास शॉप मार्केट और मॉस्क तीनों की एंट्री मौजूद है, तो होम आपको दो दफ़ा नहीं लिखना पड़ रहा। तो देखिए, मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि आप कभी स्पेस पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, कभी टाइम पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, आप ये देखते हैं कि आप कितने जल्दी कितनी कम स्पेस अवेल करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हमारे एल्गोज, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे
तो हमारा एल्गोरिथम या हमारा जो कोड है वो क्लीनर भी होगा, वो फास्ट भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। देयर आर मेनी अदर वेज, हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ डिस्कस किए हैं, कोई यूनिक और कंप्लीट रिजल्ट नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दीज वर अ फ्यू मैथड्स टू स्टोर द डाटा। तो देर आर डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, ईच हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट टू वर स्टेटिक, लास्ट वन वॉज डायनामिक, ठीक है। ये स्टेटिक था, बस टेबल है, टू डायमेंशनल एरे है, नथिंग मोर, ठीक है। ये स्टेटिक है, हमारे पास जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये सॉरी डायनामिक होते हैं। तो स्टेटिक और डायनामिक क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम आगे चल के इसको देख लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सिर्फ ये दे दूँ कि स्टेटिक मीन्स कि उसके अंदर जो टोटल मेमोरी है वो फिक्स है। यानी आपने अगर एक एलिमेंट स्टोर करना है या दो एलिमेंट स्टोर करना है, लेकिन आपने अगर एरे डिफाइन कर दी है 8 एलिमेंट्स की, तो उन वो 8 की 8 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी आपके काम के लिए, इनको कोई और वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने चाहे उनसे दो इस्तेमाल की या 3, और डायनेमिक ये होता है कि जितनी ज़रूरत है उतने इस्तेमाल करें। अगर दो की ज़रूरत है तो आपने दो मेमोरी लोकेशंस को कैच किया, ठीक है, और अगर इनमें से भी एक की ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसको फ्री कर दिया था कोई और यूज़ करे, तो ये फ़र्क होता है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा चलते हैं कि ये डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं। तो बड़ी बुनियादी बात कि बुनियादी तौर पर डाटा स्ट्रक्चर्स दो टाइप्स के हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्ट इन। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। दीज आर दोज विच आर प्री डिफाइंड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा बाय द सिस्टम। जैसे सिस्टम, और अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपाइलर, किस लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर डेटा टाइप्स मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन C++ वी नो दैट देर इज़ एन इंटीजर डेटा टाइप, देर इज़ अ फ्लोट डेटा टाइप, देर इज़ अ करेक्टर डेटा टाइप, देर इज़ बुलियन, देर आर पॉइंटर्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग इज़ नॉट अ सेपरेट डेटा टाइप, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज देर आर बिल्ट इन, ठीक है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग। तो दस इसी तरह द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डाटा आर ऑल्सो प्री डिफाइंड। तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। ये तो हो गया प्रिमिटिव। अब हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इनफैक्ट दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इसके अंदर कुछ स्टेटिक होते हैं, कुछ डायनामिक होते हैं। स्टेटिक मीन्स उनका साइज फिक्स है, एज आई टोल्ड यू एरे। डायनामिक जिनका साइज चेंज होता रहता है, वी नीड नथिंग, सो वी डू नॉट नीड टू कैच एनी स्पेस इन मेमोरी। इफ वी नीड टू वैल्यूज टू स्टोर, तो हम सिर्फ दो ही जो हैं मेमोरी ब्लॉक्स को रिजर्व करते हैं। तीन चाहिए, तीन, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ी, उसको फ्री कर दें, ठीक है। इस डायनामिक टाइप में हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर हैं और कुछ नॉन लीनियर हैं, और इनके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी तो अगली स्लाइड के अंदर इंक्लूड है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स दे आर इन लाइन, अच्छा आप हॉरिजॉन्टली कंसिडर कर लें या वर्टिकली कंसिडर कर लें, लाइक स्टैक। स्टैक क्या होता है, आप लाइक स्टैक ऑफ प्लेट्स इन किचन, एक प्लेट है उसके ऊपर आपने दूसरी प्लेट रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो दे ग्रो इन वन डायरेक्शन। तो चूंकि दे ग्रो इन वन डायरेक्शन, उनमें वैल्यूज आप एक डायरेक्शन में स्टोर कर सकते हैं, तो देर आर कॉल्ड लीनियर। क्यू क्यू मतलब कतार। आप फॉर एग्जांपल बैंक में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टैंड इन क्यू, तो क्यू इज़ आल्सो ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये और बात है कि महजब कौमों में क्यू लीनियर होती है, हम जैसी तरक्की याफ्ता कौमों में और गैर महजब कौमों में क्यू नॉन लीनियर होती है। और तीसरी चीज़ है लिंक लिस्ट। तो लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे, लेकिन इसका साइज डायनामिक होता है, ठीक है ना, तो उसी तरह इस्तेमाल हो रही होती है। नॉन लीनियर में हमारे पास क्या होती है, ट्रीज और ग्राफ्स, देयर ग्रोथ इज नॉट लीनियर। देखिए स्टैक तो ये है कि यू पुट अ थिंग एंड यू पुट अनदर थिंग ओवर इट, और फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इट ग्रोस लीनियरली। लीनियर का मतलब इन वन डायरेक्शन। क्यू कतार है, दैट इज ऑल्सो इन वन डायरेक्शन। लिंक लिस्ट भी इसी तरह, बट ट्री यू नो
ये रूट है ट्री की, उसकी दो ब्रांचेज इस तरफ हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, फिर मजीद ये इस तरह है। तो इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ ग्रोइंग इन राइट लेफ्ट डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन यू वांट। इस तरह ग्राफ्स है, ग्राफ्स तो ट्रीज से भी आगे हैं, क्योंकि ट्रीज के अंदर तो ये है कि रूट इज एट द टॉप, सो यू कैन नॉट गो एट द टॉप, यू हैव टू गो एट द बॉटम इन ईदर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन ग्राफ्स के अंदर यू कैन गो एवरीवेयर, ठीक है। तो जब ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजीद चीज़ें वाजी हो जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपको होंगे इंशाल्लाह ताला। तो दीज आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब आ जाते हैं वो अदर्स के पोर्शन को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइलिंग इस्तेमाल होती है, तो फाइल इज इनफेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर, यू स्टोर समथिंग ऑन डिस्क। इस तरह हैश टेबल्स होते हैं, ट्रीज मेरे ख्याल में मैंने पहले मेंशन कर दिया था, इधर भी मैंने लिख दिया है, ट्रिपल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, डिक्शनरी होती है, ठीक है। ये ट्रिपल सेट्स और डिक्शनरीज जो हैं ये आपको पाइथन के अंदर मिल जाएंगे, सी प्लस प्लस के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैंने पहले बात कर दी कि सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट इवन मोर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड सम सपोर्ट लेस डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, इन सम लैंग्वेजेस मैनी ऑफ द अबव नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट इन, दैट इज प्रिमिटिव, यानी वो आपको बिल्ट इन सपोर्ट करता है। यानी इन पाइथन ट्रिपल सेट्स एंड डिक्शनरी आर बिल्ट इन, फाइल्स आर बिल्ट इन, वो आपको बिल्ट इन, यानी आपको अलग से उनका स्ट्रक्चर खुद से बनाना नहीं पड़ता है, वो पहले से बिल्ट इन है, तो वो नॉन प्रिमिटिव नहीं है, वो प्रिमिटिव है। तो इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज कि कौन सी लैंग्वेज की सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, वो किस लेवल के ऊपर आपसे बात कर रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा किस लैंग्वेज के अंदर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ लैंग्वेज डिपेंडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि वट इनफैक्ट इज डाटा टाइप एंड वट आर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ये बात हमने पहले की भी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये इंटीजर फ्लोट, ये जो सेकंड पॉइंट था, द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डाटा आर आल्सो प्री डिफाइंड। तो इसी की एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको कर रहा हूँ कि इन डाटा टाइप्स यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेल यू आर टॉकिंग अबाउट डाटा टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डाटा टाइप डिफाइंस अ सर्टन डोमेन ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन इंटीजर डाटा टाइप, सो यू नो दैट इट विल टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज, and second constructed that it will contain only integer values from this to this, it depends on what is the size in each version and in each compiler of a language, it varies. Or secondly, it defines operations allowed on those values. You know that you can perform addition operation on integers, you can multiply to integers, you can subtract them, you can you can divide them, you can get you can perform modulus operation, and you can also perform bitwise operation, and all of these operations you have done in programming fundamentals or OOPS course. To aapko pata hai ki data type ek predefined cheez hai jo certain domain of values ko define karti hai, aur uske upar jo jo operation perform ho sakte hain wo bhi aapko bataye jate hain, aap unko use karte hain, predefined hai, primitive hote hain ye. Second, फ्लोट तो देख लें, सो यू नो दैट वट इज इट्स डोमेन, इट टेक्स ओनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फ्रॉम सम एक्स टू सम वाई, ठीक है। ये मैं एक्स और वाई और ये मैंने डैश डैश इसलिए लिखा है कि बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर, क्योंकि इंट की भी मुख्तलिफ किस्में हैं और इस तरह फ्लोट की भी बहुत सी किस्में हैं, इंट की किस्मों में लॉन्ग है, अनसाइंड है, साइंड है, इस तरह फ्लोट में डबल है और सिंपल फ्लोट है, तो इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहे हैं, लैंग्वेज के किस वर्जन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हर लैंग्वेज के वर्जन में, हर लैंग्वेज में इनकी रेंजेस में फ़र्क भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इन जनरल फ्रॉम एक्स टू वाई समझे रख रहा हूँ। जहाँ तक ऑपरेशंस की बात है, यू कैन ऐड टू फ्लोट नंबर्स, टू पॉइंट नंबर्स, यू कैन मल्टीप्लाई देम, यू कैन सब्ट्रैक्ट देम, यू कैन डिवाइड देम, बट यू कैन नॉट प्रोवाइज बिट वाइज एंड मॉडुलस ऑपरेशन। मे बी सम लैंग्वेजेस अलाउ मॉडुलस ऑपरेशन, कुछ लैंग्वेजेस में फ्लोट के लिए मॉड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दे डिफाइन अ सर्टन डोमेन ऑफ वैल्यूज एंड दे आल्सो डिफाइन द ऑपरेशंस अलाउड ऑन दोज वैल्यूज एंड दीज आर ऑल बिल्ट इन।
जहाँ तक बातें आती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की, देखिए मैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बाद में आ रहा हूँ, पहले आपकी बेस बना रहा हूँ. तो द ऑपरेशंस एंड वैल्यूज ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, दे आर नॉट बिल्ट इन, दे आर स्पेसिफाइड बाय यू पीपल, बाय यूजर्स, बाय प्रोग्रामर्स, लाइक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन, पाइथन के अंदर एनुमरेशन भी इस्तेमाल होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग स्ट्रक्चर वे डिफाइनिंग अवर ओन टाइप बाई कंबाइनिंग अदर डाटा टाइप्स. आप एक स्ट्रक्चर, आपने सी के अंदर, ओप्स के अंदर देखा होगा कि आप एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप दो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, तो अब आपने इन दो वेरिएबल्स को मिला के, दो इंटीजर वेरिएबल को, एक नया डाटा टाइप बना लिया है जिसका नाम रखा आपने पॉइंट, एंड दैट इज इनफैक्ट स्ट्रक्चर, इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है, और आपको को पता है कि जिस तरह जब ये इंटीजर्स हैं तो आप इनके ऊपर वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो पहले से बिल्ट इन थे, आप इनको ऐड कर सकते हैं, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग. लेकिन अब आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की. दीज आर आल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स बट विद सम कंस्ट्रेंट्स. सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज कि ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज यूजिंग फंक्शंस. सो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स आर लाइक बट इन दे आर इनफैक्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स विच डिफाइंस नंबर वन ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज यूजिंग फंक्शंस एंड दे डू नॉट स्पेसिफाई व्हाट is there inside the function and how the operations are performed. They are kept hidden from the user. You are a programmer, you have designed these. ठीक है, आपने कोई abstract data type किसी company या किसी खास अपने software की need के मुताबिक design किया और आपने उन users को दे दिया, वो user उसके ऊपर, जो company के users हैं वो उसके ऊपर मुख्तलिफ operations परफॉर्म करते हैं और उनको ये आपने बताया होता कि आप यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उनकी बैक पे जो कोडिंग है ना वो चेंज कर सकते हैं ना उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन होती हैं एक्चुअल बंदा जो उनको यूज़ कर रहा है, डिज़ाइनर से तो नहीं, जो यूज़र होता है उससे. ठीक है, उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टैक, तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कोई स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं है. वी नो देर इज़ इंटीजर, देर इज़ फ्लोट, देर इज़ डबल, दे और इंटीजर में भी साइंड अनसाइंड एवरीथिंग. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि वी कैन हैव अ करेक्टर डाटा टाइप. ठीक है, वी कैन हैव एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स और फ्लोट्स, बट वी डू नॉट हैव अ स्टैक. सो यू डिफाइन योर ओन स्टैक एंड पुट इट इन अ हेडर फाइल. आपने स्टैक डिज़ाइन किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे दी कि भाई ये फंक्शंस हैं. ठीक है, स्टैक के अंदर एक हमने एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाई है, डिज़ाइन की है, हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जानते हैं. आपके लिए आसानी यह है कि अ स्टैक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप जस्ट लाइक एन एरे बट दे आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. ठीक है, आप लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल से वैल्यूज को एक्सेस कर सकोगे और जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकोगे वो इन पाँच फंक्शंस के ज़रिए आप कर सकोगे. आप इनिशलाइज कर सकते हो किसी भी स्टैक को, आप उसके ऊपर कोई वैल्यू पुश कर सकते हो, उसमें से कोई वैल्यू पॉप करवा सकते हो. पुश मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड पॉप मीन्स टू रिमूव द एलिमेंट दैट हैज बीन रिसेंटली इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक और रिमूव द वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक इन सिंपल. और आप ये चेक कर सकते हो कि स्टैक आपका खाली है कि नहीं, या स्टैक की लिमिट फुल हो गई है कि नहीं. तो ये सारे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. अंदर हम एक्चुअली क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बेस क्या है, वो आपको नहीं पता, लेकिन आप इन फंक्शंस के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हो बस. तो यूज़र इनको इस्तेमाल करता है, वो स्टैक इनिशियलाइज़ करता है, उसके अंदर वैल्यूज पुश करता है, पॉप करता है, वो चेक करता है एम्प्टी है कि नहीं, वो चेक करता है फुल है कि नहीं. दीज आर यूज़र डिफाइंड, यूज़र मीन प्रोग्रामर डिफाइंड, डिज़ाइनर डिफाइंड. लेकिन जो क्लाइंट प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहा है उसको सिर्फ इतना पता है ये फंक्शंस इस्तेमाल होंगे, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शंस हैं, उसको नहीं पता कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड फॉर्म क्या है. और इसका बड़ा फायदा है, ठीक है, इसका फायदा भी है, वो आगे आपको बताता हूँ. देखिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और जस्ट स्केलेटन्स फॉर द यूजर. तो देर में भी मल्टी फायदा ये है कि देर में भी मल्टीपल वेज टू इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैटिक एरेज, डायनेमिक एरेज, लिंक लिस्ट. स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर मैंने राइट साइड पर शो की है. तो आप स्टैक को किसी तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो.
अगर आप यूजर को इन छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर डालोगे तो वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा, कल को कोई चेंज करनी पड़ जाती है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कैसे, आइए समझाता हूँ आपको। देखो पहले आप ये समझें कि द प्रोग्राम विच इंप्लीमेंट्स द डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज इंप्लीमेंटेशन, इट मे बी एनी हेडर फाइल, ठीक है, एंड द प्रोग्राम विच यूजेज द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ क्लाइंट प्रोग्राम, ये आपका यूजर है जो इस्तेमाल करता है, एंड इट हैज़ एन एक्सेस टू द एडीटी, वो एक्सेस को हम इंटरफेस कहते हैं। एक्सेस आप ये समझ लें कि उसका एक इंस्टेंस बनाना, जैसे आप क्लास बुला के उसका इंस्टेंस बनाते हैं, तो इनफैक्ट वो इंटरफेस है। इंटरफेस मीन यू एक्सेस, आप इंक्लूड करते हैं किसी हेडर फाइल को अपने फाइल के अंदर, तो आपने असल में एक इंटरफेस डिवेलप कर दिया है इंप्लीमेंटेशन फाइल और क्लाइंट फाइल के दरमियान। आप क्लाइंट्स हैं जब आप हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो जो हेडर फाइल है दैट उसके अंदर वो उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुई होती है, तो वो अक्सर चीज़ें हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उसकी क्या हुई है। तो एडवांटेजेस का क्या है कि इफ़ समवन वांट्स टू यूज स्टैक इन द प्रोग्राम ही कैन यूज पुश पॉप ऑपरेशन विदाउट नोइंग इट्स इंप्लीमेंटेशन, उसको इतनी डिटेल में कोडिंग का पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ उसको यूज़ करना आना चाहिए, जस्ट ही नीड्स एक्सेस टू द इंटरफेस। और फ्यूचर में अगर कभी कोई मेमोरी का इशू आता है, कोई और इशू आता है, आपने एरे की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया हुआ था, अब आपको वो शिकायत करते हैं कि जी हमारे पास तो मेमोरी का इशू है, प्रोग्राम स्लो है, ये है, तो आप उसको इम्प्रूव करते हो, आप एरेस के बजाय लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर देते हो, तो क्लाइंट के प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इंटरफेस तो अब भी वही है। इसकी मिसाल आप ये लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एयर कंडीशनर है, या एक फॉर एग्जांपल डीवीडी प्लेयर है, या रूम कूलर है, तो आपके पास एक इंटरफेस होता है उसका, जहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, आप उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, उसकी स्विंग एडजस्ट कर सकते हो, आप उसकी कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो, या अगर डीवीडी प्लेयर है तो आप उसको स्टॉप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इजेक्ट सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्शन है, आपको नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कल को कोई मसला होता है तो इंटरफेस आपका वही रहेगा, वारंटी में अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हुई है, आप अपना डीवीडी प्लेयर लेकर जाते हो, वो इंटरनल कंपोनेंट को जहाँ वो इम्प्लीमेंटेड है उसको चेंज कर देंगे, आपको इंटरफेस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका यूज़ आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, ठीक है। चलें जी, ये तो एक हमने मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, थोड़ा सा एल्गोरिथम को भी वक्त दे देते कि एल्गोरिथम है क्या। एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वन मस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ अल्फाज बड़े निपतुले इस्तेमाल किए गए हैं कि पहले तो ये कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो एल्गोरिथम अमूमन सीक्वेंशियल होते हैं। दूसरी के वेल फार्मूलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए वेल फार्मूलेटेड प्रॉब्लम वो होती है जो अनएम्बिगुअस हो, प्रॉब्लम का पता हो जी ये इनपुट है ये आउटपुट है पता है सारा कुछ, प्रिसाइज हो, लिविंग नो रूम फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी प्रॉब्लम है एक अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करना, तो ये एम्बिगुअस है, क्यों, क्योंकि मिस इंटरप्रेट कोई इसको इस तरह भी कर सकता है कि जी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था, तो आप कहते हैं नहीं जी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स या एबीसी या जो भी है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो अनएम्बिगुअस और प्रिसाइज होना चाहिए। और इसी तरह द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर ऑलवेज फाइनाइट, द नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। अगर आपका एल्गोरिथम ऐसा है जिसके अंदर आपने कोई इनफाइनाइट लूप लगाया है जहाँ से आप कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते, दैट इनफैक्ट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो वो ज़ाहिर बात है एक फाइनाइट एल्गोरिथम चूँकि नहीं होगा, तो वो यानी इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट नहीं होंगे तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग है जी एल्गोरिथम एक मेथड है जिसके जरिए आप इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, और वो मेथड आप एक सीक्वेंस में लिख लेते हो, और जिस जो प्रॉब्लम होती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा फाइनाइट होने चाहिए, देखो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एल्गोरिथम नहीं नंबर ऑफ स्टेप्स, या आगे चल के बात समझ जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो एक खुलासे के तौर पे देखो समरी, फाइव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, तो इनपुट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड एज वेल एज आउटपुट्स, फाइनाइटनेस, ठीक है, फिजेबल
लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तो इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन का कोई काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ बता रहे होते हैं जी एक इंटीजर होगा उसको ऐड करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर अगली वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है और फिर उसको जो है ना डिस्प्ले करवा देना है। लेकिन किस स्टेटमेंट से करवाना है, किस लैंग्वेज में करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, कोई डिटेल नहीं, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और प्रॉब्लम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम एल्गोरिथम्स को लिखते कैसे हैं? देखिए सिंपली स्पीकिंग एल्गोरिथम इज अ वे टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चाय बनानी और आपसे पूछता है व्हाट्स एन एल्गोरिथम, तो आप क्या कहेंगे? जी आप पहले चूल्हा जलाएंगे, कैटल रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर आप उसमें दूध डालेंगे और फिर अल्टीमेटली जब वो उबल जाएगा तो आप उसको सर्व कर देंगे। तो ये आपने एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बताया है। तो इसके अंदर देखें नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट थे, आपको इनपुट का पता था क्या है हमारे पास, भी हमारे पास चीनी पत्ती ये सारी चीज़ इनपुट है और आउटपुट हमारे पास चाय बनेगी। किसी हमने कोडिंग लैंग्वेज का सहारा नहीं लिया, प्रॉब्लम क्लियर एम्बिगुअस थी, बड़ा फीजेबल सा रिजल्ट था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर बात आ गई। ठीक है, एल्गोरिथम्स को जिस तरह मैंने अभी रिप्रेजेंट किया एक नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में जो यहाँ नंबर 3 में दी हुई है, और भी मेथड्स हैं बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी आप एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि दिखाया गया, और फ्लो चार्टिंग आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर पढ़ी होगी। सूडो कोड के जरिए भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड एल्गोरिथम ये असल में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल भी होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिथम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड। और इस तरह अगर आप किसी प्रोग्राम को बड़ी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हो तो जिससे बड़ा ये चीज़ वाजे हो रही हो कि नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, तो डैट में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एल्गोरिथम। अब सूडो कोड क्या होता है? देखिए सूडो कोड इज लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम। इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कन्वेंशंस होते हैं। देखो रूल्स और कन्वेंशंस में फ़र्क होता है। रूल्स यू हैव टू फॉलो, कन्वेंशंस आप अपने भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत से वर्जन होते हैं। ठीक है, इट इग्नोर्स मैनी ऑफ द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में बता रहा है जी पहले आप अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो आवर्स को इनपुट करेंगे, फिर आप रेट को इनपुट करवाएंगे यूजर से, फिर जितने आवर्स काम किया और जो रेट था उसको मल्टीप्लाई करके आप पे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ एक चीज़ मिसिंग है फ्लो चार्ट के अंदर कि आप उसको प्रिंट करवाएंगे और फिर प्रोग्राम एंड कर देंगे। तो आप इसको फ्लोट के बजाय अगर सूडो कोड में लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बिगिन इनपुट आवर्स इनपुट रेट, पे इज इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, एंड देन यू हैव टू प्रिंट दिस पे एंड। तो देखें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो एवरी वन कैन डू दैट। अगर आपको यानी ये एक नेचुरल लैंग्वेजेस और कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके दरमियान की कोई चीज़ है। ठीक है, आपने देखो कोई ज़्यादा इसके अंदर प्रोग्रामिंग डिटेल्स नहीं बताए हैं कि इनपुट कैसे करवाना है। आपने ये नहीं बताया कि यदि परसेंट डी इस्तेमाल होगा, एक इंटीजर वैल्यू को पहले जो है या फ्लोट वैल्यू को पहले आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, पहले उसको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने सी इन स्टेटमेंट या स्कैन एफ स्टेटमेंट के जरिए उसको इनपुट करवाना, तो ये डिटेल्स नहीं है इसमें, वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त होती हैं। सूडो कोड में सिर्फ बताते हो जी ये करना है, कैसे करना है वो प्रोग्रामर करेगा। ठीक है, वो बात की बात है। अनदर डेफिनेशन, एल्गोरिथम्स रेफर टू ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिंग देम। ये बड़ी मजेदार डेफिनेशन है, कुछ समझिएगा। एल्गोरिथम्स रेफर टू ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिंग देम। एल्गोरिथम कैसे कहते हैं? मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये एल्गोरिथम होता है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, वो मैप वाली, अपने घर के नक्शे वाली, इर्द गिर्द के माहौल के, जो हमने पहले कंसीडर की थी। तो देखें प्रॉब्लम क्या, वी वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम होम टू स्कूल। हमारे पास देखें तीन पोटेंशियल पाथ्स हैं, फ्रॉम होम टू शॉप, यू फ्रॉम शॉप यू विल गो टू मार्केट एंड देन टू स्कूल, या अल्टरनेटिवली होम टू मार्केट एंड टू स्कूल, या होम टू मॉस एंड देन टू स्कूल। तीन, अब इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? देखें आपको तो पता चल रहा होगा, इट मे बी वेरी ट्राइबल प्रॉब्लम फॉर यू, बट कंप्यूटर इज जस्ट एन एफिशिएंट स्लेव, इट कैन नॉट थिंक्स ऑन इट ओन। कंप्यूटर वो कहते हैं कि बहुत एफिशिएंट किस्म का गधा है। ठीक है,
मतलब ये कि बहुत एफिशिएंटली आपसे आपकी एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा स्पीडली कन्वीनियंटली वो काम कर लेगा, लेकिन जो आप बताओगे सिर्फ वो करेगा, उसको ये नहीं पता कि कैसे करना है, वो आप बताते हो उसे, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि भाई पंखा चला दो, तो उसको अगर बटन नहीं भी पता तो 2-3 बटन्स को वो चेक करके देख लेगा कि पंखे का बटन कौन सा, वो चला देगा। लेकिन कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि 3rd फ्रॉम लेफ्ट ऑन द मेन बोर्ड, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो थिंक नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। तो फॉर दिस पर्पज वी राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कोडेड लेटर ऑन। तो हम कोडिंग को नहीं देख रहे, हम कहते हैं कि हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम लिखते हैं, ये एल्गोरिथम है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सपोज जाहिर बात है आपके पास मैप तो नहीं है, तो चूंकि आपने ये एल्गोरिथम कंप्यूटर के अंदर इसको हम रन करना चाह रहे हैं, हम कंप्यूटर के डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को समझना चाह रहे हैं, तो एल्गोरिथम हमने राइट साइड पर लिखा है, और जिस डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ये प्रोग्राम सॉरी स्टोरेज के अंदर ये सेव है, वो एक टेबल और लिस्ट का कम्बिनेशन फॉर्म है, ये ठीक है। जिसके अंदर हमें बताया कि होम से शॉप तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, किलोमीटर, फीट, वट एवर इट इज़, ठीक है। होम से मार्केट तक का डिस्टेंस, होम से मॉस्क का डिस्टेंस, शॉप टू होम, शॉप टू मार्केट, मार्केट टू स्कूल, स्कूल टू मार्केट, जो भी है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या, फाइंड ऑल द प्लेसेस यू कैन गो फ्रॉम होम। वो सारी प्लेसेस आप तलाश करें जहाँ से आप घर से जा सकते हैं। तो देखें, यहाँ डायग्राम को देख के तो आप बता सकते हो कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं देखेगा, कंप्यूटर इस सारी लिस्ट को स्कैन करेगा, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे उसको सारी लिस्ट को स्कैन करना पड़ा, लेकिन अगर आप इसको दूसरी डेटा स्ट्रक्चर में रखते जहाँ पे होम के आगे ही तीनों चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो आपको सिर्फ एक सर्च करनी पड़ती, यानी जब भी वैल्यू मिल जाए बस उसके राइट वाले कॉलम के अंदर, राइट वाले सेल के अंदर जो भी वैल्यू है वहाँ वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी ये डिपेंड करती है आप किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो हम चूंकि चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादा एफिशिएंसी को फोकस नहीं कर रहे, एल्गोरिथम काम कैसे करता है उसको देख रहे हैं। तो अब आपको जाहिर बात है इन रिजल्ट्स को सेव करने के लिए भी आपको इंटरमीडिएटली कुछ मेमोरी के अंदर जगह चाहिए। तो आपने कहा जी ठीक है, फ्रॉम होम आई कैन गो टू कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, शॉप जा सकता हूँ, मार्केट जा सकता हूँ और मॉस्क जा सकता हूँ। तो यू विल फाइंड ऑल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन गो फ्रॉम होम एंड वी विल कीप द ट्रैक ऑफ डिस्टेंस वी हैव ट्रेवल्ड। अगला स्टेप, फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस फाइंड ऑल पाथ्स। तो हमें पता था कि हम स्कूल से होम जा सकते हैं, स्कूल से होम तक कैच पहले मौजूद है, तो हम इस ट्री के अंदर दोबारा से इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रॉम स्कूल यू कैन गो टू मार्केट, और अब डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 8। फ्रॉम मार्केट यू कैन गो टू स्कूल, डिस्टेंस हो जाएगा 11। एंड फ्रॉम मॉस्क यू कैन गो टू स्कूल और डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट टू स्कूल। तो आपने रिपीट किया, आपके पास आपका ट्री पूरा बन गया। अब कंपेयर द डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। तो जो लीफ नोड्स हैं इन सबको आप कंपेयर करेंगे, तो आपने देखा कि 11 इज द शॉर्टेस्ट, तो देन वी विल डिटरमिन द शॉर्टेस्ट पाथ, कि रूट नोड से इस 11 वाली नोड तक पहुँचने का जो रास्ता है That will be the shortest path, ठीक है, from bottom to top। तो home, market, school, ये। अच्छा, हमने जो definition पढ़ी थी वो यहाँ link कैसे हो रही है, गौर से देखिएगा। We have used a tree data structure to get over result। हमने कहा था algorithms in data structure का use है। If you remember, एल्गोरिथम रेफर टू ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। देखो, हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन किया, हमने उसको सर्च किया, वैल्यू को रीड किया, ठीक है, और फिर जो नया डेटा स्ट्रक्चर हम अपने इंटरमीडिएटली बना रहे थे ट्री, उसके अंदर हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया, ठीक है, एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिंग दैम। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हुए थे जिनके जरिए हमने ये सारा काम किया, ठीक है। तो अब आपको उस डेफिनेशन की समझ आई होगी कि एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इनको कंबाइनली क्यों पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब करेक्ट और इनकोरेक्ट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अक्सर बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, बड़ी बुनियादी गलती करते हैं। वो ये कि इफ़ आई गिव देम सम प्रॉब्लम
दे डेराइव मैनी सोल्यूशन फॉर इट, लेकिन वो करते क्या है कि दे चेक द सोल्यूशन फॉर ओनली सम इंस्टेंसेस एंड फॉर मैनी ऑफ द इंस्टेंसेज द सोल्यूशन प्रूव्स टू बी रॉन्ग. तो करेक्ट एल्गोरिथम वो होता है जो हर वैलिड इनपुट पे आपको रिजल्ट करेक्ट दे, और इनकोरेक्ट एल्गोरिथम वो होता है जो किसी एक इंस्टेंस के ऊपर आपको रिजल्ट गलत दे. ये याद रखिएगा, ठीक है? गलती एक भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? इस चीज को जहन में रखिएगा. तो जब भी आप एल्गोरिथम्स को डिजाइन करें तो ये जहन में रखिएगा कि हर पॉसिबल इनपुट के लिए इसको रिजल्ट करेक्ट देना है. तो देयर मे बी इनफाइनाइट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इट मीन्स देयर मे बी इनफाइनाइट एल्गोरिथम्स. सो विच एल्गोरिथम इज द बेस्ट? बहुत से एल्गोरिथम्स होंगे. कोई अच्छा काम नहीं करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, कोई उससे अच्छा काम करेगा, कोई बेस्ट होगा. तो हाउ विल वी डिसाइड दैट दिस एल्गोरिथम इज बेस्ट अंडर करंट सर्कमस्टांसेस? तो वी मेनली फोकस ऑन टू पैरामीटर्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑन दैट एल्गोरिथम. अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, देखिए. ऑप्टिमल या बेस्ट एल्गोरिथम वह होता है कि अमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम द बेस्ट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज द वन विच, नंबर वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच टेक्स मिनिमम कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू डिटरमिन द आउटपुट. और ये कंप्यूटेशनल स्टेप्स क्या होते हैं इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इट विल बिकम ऑब्वियस. और विच एल्गोरिथम कंज्यूम्स द मिनिमम मेमोरी स्पेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये दो चीजें हैं. आप सबसे कम वक्त में, सबसे कम जगह इस्तेमाल करते हुए मेमोरी में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो आपका प्रॉब्लम. अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, हमेशा होता नहीं है. बाज़ दफ़ा जब आप स्पीड को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो नागुजीर होते हैं कि जहाँ आपकी स्पेस बढ़ जाती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. और कभी कभी अगर आपको यानी हमेशा ट्रेड ऑफ होता है. When you, sometime when you require optimal space, so you trade off on your time. आपको time ज़्यादा लगता है. तो ये चीज़ होती है, याद रखिएगा. क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ भी ideal नहीं होती. आपसे ideal की demand की जाती है. So you have to develop such algorithms that will be fast and that will consume very less space, ठीक है, as compared to other solutions. लेकिन ये हमेशा होता नहीं है, trade off होता है. तो ये है कि आप उसको बैलेंस, इस सीसा को आप बैलेंस कहाँ पे करते हो. आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्पीड का कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हो. बास जगह पे आपको मेमोरी का कोई इशू नहीं होता, ठीक है, तो आप फिर वहाँ पर जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हो. बास हालात में दोनों बड़े सेंसिटिव होते हैं और बाज़ हालात में दोनों सेंसिटिव नहीं होते. तो ये डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है. छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर ये कोई माने नहीं रखता. आपने अगर 100 एलिमेंट्स की लिस्ट में से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो ये कोई माने नहीं रखेगा. लेकिन जब बड़े प्रॉब्लम्स होंगे जिनको सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए सॉल्व किया जाता है और सुपर कंप्यूटर्स भी उनको या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी उनकी प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी वक्त लगाते हैं, काफ़ी दिन लगाते हैं, तो अगर आपका एल्गोरिथम बुरा होगा तो काफ़ी साल लगाएगा. और ये आपको शायद बात अभी थोड़ी सी मजाक में लग रही हो कि जी कुछ दिन या कुछ साल इतना फ़र्क आ सकता है. तो ये जी इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बैड डिज़ाइन की वजह से वही प्रॉब्लम जो कुछ आवर्स में सॉल्व हो सकती है, कुछ दिनों में सॉल्व हो सकती है मुसलसल कंप्यूटेशन से कंप्यूटर की, वो हो सकता है आप अपने लाइफ टाइम में भी उसको सॉल्व न करवा सकें कंप्यूटर से. एल्गोरिथम आपका ठीक होगा लेकिन ऑप्टिमल नहीं होगा. हमने एक और बात की कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करना नहीं है, उनके बेसिक ऑपरेशंस को भी डिफाइन करना. तो हमने जो एग्जांपल पढ़ी उसके अंदर आपने देखा होगा कि दो डेटा स्ट्रक्चर थे, एक से हम वैल्यूज को सर्च करके रीड कर रहे थे. तो देखो, आपने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, आपने रीड या ट्रावर्स का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया. और जहाँ तक ट्री की बात है, आप वैल्यूज रीड भी कर रहे थे. जारी बात है, सर्च करेंगे तो रीड करेंगे, तो सर्च भी हो रहा था, रीड भी हो रहा था, लेकिन सबसे पहले तो वैल्यू इंसर्ट हुई थी.
और उसके बाद मुसलसल वैल्यूज हम इंसर्ट करते रहे। फिर हमने एक कंपैरिजन ऑपरेशन भी किया जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो बहुत से ऑपरेशन हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। सिर्फ ये प्लस माइनस वाले ऑपरेशन नहीं होते, और भी बहुत से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और बहुत से ऑपरेशन हैं, जैसे आपको कभी वैल्यू डिलीट करनी पड़ सकती है, आपको वैल्यूज को सॉर्ट करना पड़ सकता है, आपको दो वैल्यूज को स्वाप करना पड़ सकता है, आपको किसी वैल्यू को अपडेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल होम टू शॉप का डिस्टेंस आपको कहा गया कि जी 4 नहीं है 5 है, गलती से एंटर हो गया, या पहले एंटर हुआ था अब उसको अपडेट करना है कि, तो आप उसको, जाहिर बात है उसको चेंज करने का भी कोई एल्गोरिथम होना चाहिए। अब ये जितनी भी चीज़ें, ये हमें तो सिर्फ एज अ फंक्शन, हमें हम उसको सिर्फ एज अ डिज़ाइनर इनका फंक्शन की प्रोटोटाइप शेयर करते हैं कि जी आप इस तरीके से वैल्यू रीड कर सकोगे, ऐसे सर्च कर सकोगे, ऐसे इंसर्ट कर सकोगे, ऐसे डिलीट सॉर्ट ऐसे ऐसे कर सकोगे, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल फंक्शंस जो होंगे इस डाटा टाइप्स के, उस फंक्शंस का जो एल्गोरिथम होगा वो आपको खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जी प्रॉब्लम क्या है, डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ ट्री, तो हाउ विल यू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ ट्री, तो ये इसका एक पूरा एल्गोरिथम होगा। हाउ विल यू सॉर्ट द वैल्यूज, हाउ विल यू स्वैप टू वैल्यूज, हाउ विल यू अपडेट द वैल्यू ऑफ अ नोड इन अ ट्री, तो ये छोटे छोटे सब ऑपरेशंस एक पूरा प्रॉब्लम है, और हर एक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गो डिज़ाइन करने पड़ेंगे, और उसी एल्गोस को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर जो एल्गोरिथम्स इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उस अगर ये इकट्ठे ना पढ़ाए जाएँ तो अंडरस्टैंडिंग ही डिवेलप ही नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये सिर्फ ट्री के लिए नहीं है, हमने जितने डेटा टाइप्स पहले देखे यूज़र डिफाइंड सब के लिए, भाई एक एरे के अंदर वैल्यूज़ को रीड कैसे करना है, सर्च इंसर्ट डिलीट सॉर्ट स्वाप अपडेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक लिंक लिस्ट के अंदर, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर कैसे करना है, डबली लिंक लिस्ट के अंदर कैसे करना है, स्टैक के अंदर कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा क्यू के अंदर कैसे करना है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर कैसे करना है, हैश टेबल के अंदर क्या होगा, ग्राफ के अंदर क्या होगा, ट्रीज के अंदर क्या होगा, फिर ट्रीज की किस्में हैं, एवीएल ट्री, बैलेंस ट्री, और पता नहीं कौन कौन सी ट्री, बाइनरी ट्री और मुख्तलिफ तरह के ट्री, फिर ग्राफ्स की बहुत सी किस्में हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और एक पूरी एक डिटेल है। तो हर हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें ये सारे एल्गोरिथम्स देखने हैं, और जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको भी हमें बड़े गौर से देखना है, क्योंकि हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने जब आपके साथ जिस स्लाइड में शेयर की तो आपने देखा होगा कि सर्चिंग और सॉर्टिंग की पूरी लिस्ट है एल्गोरिथम्स की, क्योंकि सॉर्ट करने का कोई एक मेथड तो नहीं होगा, बहुत सारे मेथड्स होंगे, तो बहुत सारे मेथड्स हम सॉर्टिंग के पढ़ेंगे, ठीक है। वैल्यू को सर्च करने के लिए 8-10 तरीके होंगे, उसको सॉर्ट करने के लिए कोई 15-20 एल्गोरिथम्स होंगे, तो हर एल्गोरिथम को पढ़ के उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कितना एफिशिएंट है, इनमें से बेस्ट कौन सा है, किस वक्त में क्या ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इतने सारे डाटा स्ट्रक्चर्स, उनके ऑपरेशंस, और उस ऑपरेशंस के अंदर भी कई कई एल्गोरिथम्स, हर एक का एल्गोरिथम, हर एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन, उनका एनालिसिस कि उनमें से कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल है, कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं। तो अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स तो अब आपको खुद ही पता चल गए होंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया ज़्यादा इसलिए नहीं कि आपको ये पता चल जाए कि इस कोर्स के अंदर हमने करना क्या, और आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, यानी आप ये ना समझ रहे हो कि जी इस कोर्स में तो बस देखी जाएगी, आखिर में पढ़ लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो आखिरी बाल पे जो है जावेद मियादाद बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। तो ख्याल कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये कन्फर्म है कि मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों को अपना साथ देना है, बस ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपको अच्छा खासा ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इनका आपस में लिंक क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसकी अहमियत क्या है, और हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से रिव्यू करें, स्लाइड्स के अंदर बाज़ दफ़ा गलतियाँ होती हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हों, ह्यूमन एरर, तो मुझे ज़रूर इंडिकेट किया करें, मैं इस पर बिल्कुल खफा नहीं होता, मैं उसको अपडेट कर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और साथ साथ में काम किया करें, जो असाइनमेंट होंगी, ज़ाहिर हर वीक कोई असाइनमेंट या कुछ तो होगा, ठीक है, तो उसको मैं अनाउंस करने की खास ज़रूरत नहीं है, किसी वक्त भी हो जाएगा, तो उसका एक फ़िक्स टाइम होगा जिसके अंदर आप इसको सबमिट करेंगे, क्विज को भी और असाइनमेंट को भी,
तो कोशिश करें, अपनी मदद आप करें। मैं स्टूडेंट को हर जायज़ फेवर देता हूँ, तो हर जायज़ फेवर आपके लिए है इंशाल्लाह ताला, नाजायज़ फेवर नहीं। आप इंशाल्लाह देखेंगे मैं जो आपका हक होगा उसमें आपकी मैं कितनी हेल्प करता हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले बात कर रहा हूँ जो लीगल, जो जायज़ आपकी मदद होगी वो इंशाल्लाह मेरी तरफ़ से आप पाएंगे। तो आपको सिर्फ कॉपरेट ये करना है कि आप जिस वीक का लेक्चर होगा उस वीक में उसको देखेंगे, कोई इशू होगा आप उसको फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे मुझे, आप ग्रुप पे रिपोर्ट कर दें, आई विल नॉट माइंड इट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होगा उसको फ़ौरन क्लियर करेंगे। अगले वीक के लिए कोई असाइनमेंट, कोई क्विज़ या कोई कॉन्सेप्ट समझने वाला रखेंगे नहीं, मुझे सिर्फ इतना कॉपरेशन आपसे चाहिए। मकसद यह कि आप सीख जाएँ इस सेमेस्टर के बाद, मुझे ये तसल्ली हो कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है इंशाल्लाह ताला मुझसे। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।